हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आई होप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सपोर्ट में। आज अनिका जी बताने वाली हैं कि सहारा निवेशक को पैसा लेने के लिए को अभी क्या करना चाहिए। इस जानकारी से सहारा समूह के सभी निवेशक को अवगत करा दे कि CRC सहारा रिफंड पोर्टल पर स्वयं को रजिस्टर करना और रिफंड के लिए रिफंड पात्र होने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए, क्योंकि सेबी सहारा रिफंड अमाउंट में 23,000 करोड़ रुपए में से अधिक धनराशि है। इसके लिए सरकार उम्मीद कर रही है कि डिपॉजिटरों को मौजूदा 5,000 करोड़ रुपए वापस करने के बाद सहारा रिफंड अमाउंट में अधिक राशि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए सहारा इंडिया के जिन निवेशक को अपना पैसा फंसा है वो देर ना करते हुए सहारा इंडिया पोर्टल पर आवेदन कर अपना पैसा निकाले। आवेदन कहां से कैसे करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी जानकारी प्रदान की गई है। पोर्टल के तहत रिफंड पाने के लिए आपको कुछ इन दस्तावेजों को भी जरूरत पड़ेगी। आपको आपके पास सहारा के निवेशक सदस्य संख्या होगा, जमाखाता संख्या का होना, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर का अनिवार्य, जमा धारक का पासबुक होना, पैन कार्ड होना। अगर राशि 50,000 से अधिक है, CRC सहारा रिफंड पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? सहारा रिफंड पोर्टल के अधिकारी वेबसाइट https://republicmocrefund.crcs.government.in है, जहां से सहारा निवेशक आवेदन कर सकते हैं। सहारा पोर्टल पर आवेदन करने के बाद सहारा सोसाइटी प्रोसेस को करीब 30 दिन के भीतर वैलिडेट कर देती है। फिर ऑथराइज्ड CRC इस 15 दिन के भीतर पैसा भेज दिया जाता है। बस आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।